पाटीदार एक्सप्लेन पार्ट टू ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वी टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन Fe प्लस H2O फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 एंड H2 हाइड्रोजन गैस। When two reactants react to each other and formation of product. Left hand side जो हमारा होता है वो हमारा reactant होता है, right hand side जो हमारा होता है वो product होता है। जितना reactant हमने chemical reaction में ले रखा है उतना ही product का हमारा formation होता है। Chemical reaction based on केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू दिस रूल रिएक्शन नाइदर बी created nor be destroyed। केमिकल रिएक्शन को नहीं हम बना सकते हैं, नहीं हम केमिकल रिएक्शन को ब्रेक कर सकते हैं। ओनली चेंज इन टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से दे रखे हैं हमको। एलिमेंट हमारे पास है एक आयरन है, सेकेंड हाइड्रोजन है, नंबर थर्ड हमारे पास क्या है ऑक्सीजन है। यहाँ पर रिएक्टेंट के अंदर क्या दे रखा है हमको एंड प्रोडक्ट के अंदर क्या दे रखा है इनिशियली हम वो देखेंगे। यहाँ पर वन आयरन है, थ्री आयरन का फॉर्मेशन हो रहा है, टू हाइड्रोजन है हमारे पास, यहाँ पर टू हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन वन है हमारे पास और फोर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे कि पहले हमने पहले भी देखा था कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कंपाउंड इन विच वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसका है हमारे पास, ऑक्सीजन का है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, यहां पर कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जो भी चेंजेस करना है हमको आगे करना है। यहां पर फोर ऑक्सीजन दे रखे, यहां पर क्या इंटू कर देंगे हम, फोर का इंटू कर देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा फोर, यहां पर केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके देखेंगे तो फोर ऑक्सीजन हो गया, बट हाइड्रोजन हमारे पास टू थे तो हमारे फोर टू जा कितना हो गया एट, तो हम यहां पर क्या कर देंगे फोर कर देंगे। देन अगेन हमारे पास यहां पर आयरन को बैलेंस करना है, यहां पर थ्री आयरन है वन आयरन है, तो यहां पर किसका इंटू कर देंगे थ्री का इंटू कर देंगे। अब हम केमिकल रिएक्शन को ये बिफोर जब हमने बैलेंसिंग नहीं करी थी तब का प्रोसेस है, अब हम उसके बाद का प्रोसीजर देखते हैं। एंड आफ्टर एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, एलिमेंट है हमारे पास आयरन, सेकेंड है हाइड्रोजन, नंबर थर्ड है ऑक्सीजन, रिएक्टेंट है हमारे पास एंड प्रोडक्ट है हमारे पास। यहां पर कितने हैं, थ्री आयरन है, थ्री आयरन कन्वर्ट इनटू थ्री आयरन, एंड देन अगेन हाइड्रोजन, फोर टू जा एट हाइड्रोजन, फोर टू जा एट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास फोर ऑक्सीजन है, फोर ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से पूरी कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हमारे पास यह बैलेंस हो गई। वी टेक वन मोर एग्जाम्पल, N2 प्लस H2 रिएक्ट टू ईच अदर एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। जब भी N2 और H2 आपस में रिएक्शन करते हैं अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। जब हमारे पास रिएक्शन नहीं हुई थी उसके पहले के एलिमेंट हम देख लेते हैं, N2 नाइट्रोजन एंड H2 हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। बिफोर N2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट प्रोडक्ट, LHS साइड इज रिएक्टेंट, टू हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन एंड प्रोडक्ट वन नाइट्रोजन थ्री हाइड्रोजन। मैक्सिमम्स जितने एटम होंगे उतना चेंजेस करेंगे, यहां पर कितना हमारे पास है
थ्री हाइड्रोजन है और यहाँ पर टू हाइड्रोजन है, यहाँ पर दोनों एलिमेंट हमारे पास इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे हम, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे, टू नाइट्रोजन का इंटू कर देंगे। यहाँ पर टू नाइट्रोजन बैलेंस है एंड देन अगेन हमारे पास हाइड्रोजन थ्री टू जा सिक्स, यहाँ पर इंटू कर देंगे हम थ्री का। तब आफ्टर रिएक्शन क्या चेंजेस किया हमने, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन थी, टू नाइट्रोजन का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट के अंदर थ्री टू जा सिक्स थ्री एंड थ्री का इंटू किया थ्री टू जा सिक्स, हाइड्रोजन हमारे पास था तो सिक्स हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से कंप्लीट केमिकल रिएक्शन हो गई। देन अगेन CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ H2O इन द प्रेजेंस ऑफ 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3OH इज लिक्विड। यहां पर ये गैसियस स्टेट में होंगे एंड प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा लिक्विड स्टेट के अंदर बनेगा। CH3OH इट इज कॉल्ड मिथाइल एल्को मैथेनॉल मिथाइल एल्कोहल हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां पर एलिमेंट हमारे पास क्या क्या है, एलिमेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट है हमारे पास कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वन कार्बन है हमारे पास, वन कार्बन का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन अगेन हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, टू टू जा फोर हाइड्रोजन है, थ्री एंड वन फोर हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हमारे पास वन ऑक्सीजन है, वन ऑक्सीजन है। इस तरीके से ये कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।